हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और झाड़ू पोछा सारा कुछ हो चुका है क्योंकि आज स्कूल की है छुट्टी। तो आज नवरात्रि है तो वही मैं मंदिर को उतार कर और इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी 9 दिन के व्रत रखे हैं। तो बस इसी मंदिर को उतार के और इसकी सारे फोटो वगैरह हैं उनको साफ़ कर दूँगी। और जो जहाँ पर मंदिर रखते हो तो वहाँ के मुझे पेपर वगैरह चेंज करने हैं। वैसे तो मतलब इसमें मैं कपड़ा है जो वो मारती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी आज से नवरात्रि चालू हैं तो फिर इसको उतार कर और इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ स्लिप पर ही रखती हूँ मैं मंदिर को, दीवार में नहीं लगा रखा है, एसी के ऊपर रख लेती हूँ। तो बस वहाँ पर ना उसको स्लिप को मैंने साफ़ कर दिया था और वहाँ पर न्यूज़पेपर डाल दूँगी। और न्यूज़पेपर ही रहते हैं वहाँ तो वैसे भी, तो मैंने वो वाले चेंज कर दिए हैं और ये दूसरे वाले लगा दिए हैं। और वैसे भी उधर मैं चेंज ही मतलब न्यूज़पेपर हैं जो स्लिप के होते ही रहते हैं महीने में, तो बस और यही उठाकर अपना मंदिर रख लूँगी। और सारा कुछ है जो वो इसी में सेट कर लूँगी मंदिर के अंदर। और एक न्यूज़पेपर मैंने मतलब ये साइड में लगा रखा है ना, तो इसमें क्या है, यहाँ पर ही मैं जो देवी माँ है उनको बिठा लूँगी। तो ये है शिवलिंग बनाई है मैंने, पार्थिव शिवलिंग है ये। मैं मंडे का भी व्रत रखती हूँ तो आज मंदिर तो जाना नहीं हो पाएगा, शाम को देखूँगी जाऊँगी तो टाइम लगा तो मैंने घर पे ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की है। और उस साइड मैंने देवी माँ को मतलब जो उनकी स्थापना करते हैं ना वो ऊपर ही की है, नीचे नहीं की, क्योंकि ऐसी कहीं जगह नहीं है जो साइड में रखकर उनकी स्थापना कर लो। और मतलब क्योंकि अंदर बाहर आते जाते तो फिर पैरों से ना वो हो, तो इसलिए मैंने ऊपर ही रखकर उन्हें बिठाल दिया है 9 दिनों के लिए। तो ये तो मैं अभी जो शिवलिंग है बनाई है जो मैंने, तो पार्थिव शिवलिंग है ये, तो उसकी पूजा कर रही हूँ और इसके बाद मैं देवी माँ की पूजा करूँगी। तो ये मैं यहाँ पर ना जो कलश है उसको बिठाऊंगी। तो और ये आम के पत्ते रखे हैं तो ये आम का पत्ता है, इसको मतलब कलश में ही लगाऊंगी। और इसी के ऊपर मैं नारियल रख दूंगी।
तो ये मेरी हो चुकी है पूजा, और देवी माँ को भी मैंने चुंदरी पहना दी है और वो एक बॉक्स सा रखा हुआ है। तो ये मेरी बेटी की गुल्लक रखी है ऊपर, उसने लाके मंदिर के ऊपर रख दी है। तो इनका भी मुझे विसर्जन करना है, तो ये जो पार्थिव शिवलिंग है इनका मुझे अभी विसर्जन करना है, घर में ही करूँगी। और ये देवी माँ को पूरा मैंने सिंगार मंगाया था, तो वो डिब्बा रखा हुआ है पूरा सिंगार का जो उन्हें चढ़ाया है। और ये क्या हुआ क्या हुआ, मुझे बड़ा चिड़चिड़ा सा चढ़ रहा था, चिड़चिड़ापन सा, क्योंकि सुबह से उठकर पहले मैंने घर की साफ़ सफाई की, फिर जाके मतलब मंदिर की साफ नहा धोकर फिर मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की, और उसमें भी बहुत टाइम लग गया। अभी 9:30 का टाइम हो गया होगा पूजा करते करते और ये सब करते करते, तो क्या हुआ कि ना पानी का पाइप लगा हुआ था, तो वो पानी का पाइप ऊपर रखा हुआ था तो नीचे गिर गया, वो नीचे गिर गया तो यहाँ पानी बहुत फैल गया, और पक्के में ना पानी फैल जाए ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस वही पानी को मैं पोंछा लगा कर और भर रही हूँ, मतलब झाड़ू पोंछा किया सारा कुछ एक जैसा हो गया, और मुझे इतना चिड़चिड़ा का पंसा चढ़ रहा था क्योंकि मैंने अभी चाय वगैरह भी नहीं पी और मेरे को बहुत टाइम हो गया, 9:30 का टाइम हो चुका है। तो बस और आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे क्योंकि कल मैंने नहीं उतने धुले थे और परसों बारिश हुई थी, और कल मेरे कपड़े नहीं धुले थे, नहीं धुल पाए थे मैंने, तो परसों बारिश हुई थी तो घर में ही सुखाए थे और कल मैंने धुले नहीं थे, तो आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। और आज सुबह के टाइम भी बहुत तगड़ी बारिश हुई है सुबह के टाइम, लेकिन अभी ना थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई हल्की हल्की सी, और फिर ना हवा सी चल गई और हल्की हल्की धूप भी निकल गई है। तो फिर 2 दिन के कपड़े थे तो वही कपड़े मैंने आज धुले हैं और इन्हें डाल दूंगी, क्योंकि ना ड्रायर में निकाल दिए हैं तो कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे, और हम लोगों के यहाँ तो अचानक ही बारिश का मौसम बना, और मतलब परसों पूरा दिन बारिश हुई और फिर कल नहीं हुई, और फिर आज सुबह 4:30 के बाद से बारिश हुई, तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई और काफ़ी तेज़ मौसम बना, क्योंकि बादल वगैरह जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी सुबह के टाइम, तो उससे लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश हुई है। लेकिन ये है कि सुबह 4:30 से बारिश हुई है और 6:30 तक बंद हो चुकी थी, तो फिर अभी हल्की हल्की धूप निकल गई तो ये सारा कुछ मतलब सूखा सूखा सा हो गया। तो अभी मैं सारे काम से फ्री हो पाई हूँ, क्योंकि अपना भी काम होता है, फिर घर का भी मतलब व्रत वाला भी काम है सारा कुछ, और फिर इन लोगों के लिए खाना वगैरह भी बनाना, तो फिर मैं अभी मतलब फ्री हुई हूँ। तो बस पैरों में लगा लेती हूँ महावर, क्योंकि ना महावर भी जब कुछ ऐसे ही त्यौहार वगैरह कुछ ऐसा कुछ आता है ना तो तभी लगा लेती हूँ, और मतलब क्या है कि इधर पंजाब में तो लगाते नहीं हैं, और फिर जब मुझे मतलब ऐसे कुछ त्यौहार वगैरह या कुछ भी आता है या पुण्या वगैरह आती है ना तो उस दिन मुझे ध्यान आ जाता है, तो फिर मैं बैठकर महावर लगा लेती हूँ। अच्छा लगता है महावर वगैरह लगाना, और फिर कब जब ना कोई त्यौहार वगैरह हो या पूजा पाठ हो घर में तो उस दिन लगाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सुबह तो नहीं लगा पाई जब मेरे को पूजा वगैरह करनी थी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी ही होती है कि मुझे महावर वगैरह लगाने का नहीं इतना वो रहता है, लेकिन मैं फिर अभी फ्री हुई हूँ सारे कामों से तो फिर अब बैठ के लगा लेती हूँ।
और ये ना वो डिब्बी वाला महावर आता है, वो वाला महावर है, क्योंकि आजकल तो वही चलता है, जो गीला वाली डिब्बी आती है ना, तो वही महावर चलता है। तो मैंने क्या किया, लकड़ी में ना या तो ईयरबड हो उससे लगा लो, और या फिर लकड़ी में ना थोड़ी सी रुई लगा कर उसको धागे से अच्छे से लपेट लो। तो मैंने बस वही लपेट कर और उसी से लगा रही हूँ। इससे क्या है ना, उंगली नहीं वो होती है, रंगती है, और फिर क्या है, उंगली रंग जाती है तो फिर कुछ कपड़े वगैरह में हाथ लगे ना गीला, तो कपड़े में भी लग जाता है। तो बस इसी करके ऐसे ही लगाती हूँ। और ये मेरी जो लकड़ी है महावर लगाने की, वो मेरी काफ़ी टाइम की है। मतलब मैं इसी कप में ना, ये कप रिटायर है तो इसी में लगाती हूँ, और फिर इसको लगाकर और ऐसे ही रख देती हूँ, तो वो मेरी बनी ही रहती है लकड़ी।